हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। माय फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से निकल कर आ रही है। सो यस फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 91 है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 12 लैक्स पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर दे डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी माइनिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 29, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 37, सिविल वालों के लिए 11, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 2 और IT वालों के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला के 91 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वहीं पर मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स तक रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। क्वालिफिकेशंस की बात करें सो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन और पावर इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी IT के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का BVTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी माइनिंग के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग माइनिंग इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ हर एक डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए अगर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके BVTEC में मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए। और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए आपके BVTEC में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग गेट 2023 में क्वालिफाई किए हो तो ही इसके एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। हर एक डिसिप्लिन के लिए गेट का जो पेपर कोड है वो ही मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। जो लोग गेट 2022 या तो उसके पहले क्वालिफाइड है वो लोग इसके एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके गेट 2023 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग DV में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। DV का जो एग्जैक्ट डेट, टाइमिंग और वेन्यू है वो आप लोग को बाद में नोटिस के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी यहीं पे नहीं रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली 1 ईयर के लिए आप लोग को प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा और 1 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के टाइम और परमानेंट होने के बाद आप लोग का पे स्केल लेवल 10 के हिसाब से, यानी कि बेसिक पे 56,100 और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल CTC 12 लैक्स पर एनम मिल जाएगी। बेसिक पे के साथ साथ आप लोग को जो भी अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा वो यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना।
ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोगों का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2023 से और इसमें आप लोग 30 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप लोगों का किसी भी डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी फ़ोन नंबर या तो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके आप लोगों का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।